बहुत ही मज़ेदार सब्जी गोभी का दुलमा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल अलग सी रेसिपी बनाएंगे, गोभी मटर का दुलमा। गोभी मटर की सब्जी तो आए दिन जाड़े में बनती रहती है और खाते खाते बोर हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ सब्जी क्या बनाएं। जिस दिन आपकी बिल्कुल स्पेशल सी कुछ सब्जी खाने का मन हो तो फ्रेंड्स एक बार इस तरह से गोभी मटर का दुलमा बना करके देखिएगा, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत ही यमी और बहुत ही लजीज सब्जी बनती है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। गोभी का दुलमा बनाने के लिए ये मैंने गोभी का फूल लिया हुआ है, ये मीडियम साइज़ का गोभी है और देख रहा हूँ बिल्कुल वाइट फूल गोभी के लिए लिया हुआ है और बहुत ही फ्रेश फूल लिया हुआ है। इसको गोभी इसको बस हमको छोटा छोटा काटना है, वो भी ऊपर का फूल वाला हिस्सा काटेंगे, डंठल वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसके बिल्कुल छोटे छोटे देखिए इतने छोटे छोटे ऊपर का भाग मैं ले रही हूँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से करेंगे सबके। देखिए इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में गोभी को। अब हम अच्छे पानी से इसको धोएंगे और फिर हल्का सा बॉइल करेंगे। मैंने चढ़ा दिया है पानी, इसमें आधा लीटर के आसपास पानी है। पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए एक धुली हुई गोभियों को के टुकड़ों को सबको इसी में डाल देंगे। देखिए एक खोल सा आ गया है और बस जो है अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। इसको एक चलनी में पलट लेंगे, इस चलनी में करके इस तरह से पलट देंगे, इसका पानी हटा देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसको गोभी भूनने के लिए चढ़ा दिए कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल। इसी गोभी को की फ्लेम कर देंगे मीडियम में और मीडियम से लो करते हुए धीमी आंच में इसको कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मटर के दाने। मटर के दानों को भी इसके साथ जो है 1-2 मिनट तक फिर भूनेंगे ताकि गोभी के साथ में अच्छी तरह से मटर के दाने भी भून जाएंगे। ब्राउन सी हो गई है, भून गई है और बहुत ही सोंधी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हम इसको पलट देंगे। कढ़ाई में मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में इस तरह का मसालेदार चीज़ बहुत हमको अच्छी लगती है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, छोटा सा तेज पत्ता डाल देंगे, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और एक ही ये मुँह खुली हुई बड़ी इलायची है, इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब हम डालेंगे, देखिए एक मैंने बड़ी प्याज ली हुई है, 6-7 कलियाँ लहसुन की ली हुई है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को इसी में डाल देंगे। इसकी फ्लेम इस समय स्लो में रखेंगे ताकि कोई मसाले जले नहीं और बराबर चलाते रहेंगे। 1 मिनट लगभग हो गया है प्याज को भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मैं 1 चाय का चम्मच बराबर डालूंगी धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दे सकते हैं। और 1/2 चम्मच ही मैं डालूंगी साल्ट, नमक, सादा नमक। आप ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मसालों को बराबर चलाते रहें। मसाले जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने बड़ा टमाटर को उसकी पीस करके पतली प्यूरी तैयार की है और इसको भी बराबर चलाते रहेंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच ये कश्मीरी मिर्च, ये 1 चम्मच डालेंगे, इससे स्वाद और कलर दोनों बहुत बढ़िया आते हैं। और इसको चलाएंगे गैस की फ्लेम को हाई से मीडियम ही रखते हुए मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर की भी भून गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए ये मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है गरी का बुरादा, 1 चम्मच लिया हुआ है
पोस्ता या खसखस, दो हरी इलायची ली हुई है, 4-5 लौंग ली हुई हैं और 10-12 ही काली मिर्च लिया हुआ है। इसको 1 घंटे पानी में भिगो दिया और इसका बढ़िया फाइन पेस्ट बना करके इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। इसके इससे का टेस्ट बहुत ही यमी, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बढ़िया होता है। अब हम इसको जब मसाला भुन गया तब इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से 2 मिनट तक और भूनेंगे। मसाले भुन गए हैं, इसमें जो भुना हुआ था गोभी मटर वो इसी में डाल करके 1-2 मिनट तक और भूनेंगे। ये गोभी भी भुन गई है। अब इसमें हमने जो ये मसाले वगैरह का बचा हुआ ये था ये सब इसमें करके 1 गिलास लगभग सब धो धा के मैं पानी डाल दूंगी। देखिए सब को इस तरह से समेट देंगे ताकि कोई भी मसाला वेस्ट भी नहीं जाएगा। लगा दूंगी ढक्कन, 1 उबाल आने तक गैस को तेज रखेंगे और उसके बाद धीमी धीमी आंच में कम से कम 4-5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे। सब्जी को पकते हुए 4-5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और देखिए बहुत ही गोभी अच्छी तरह से गल गई है, मिक्स हो गई है मसालों में और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी है। जब कभी आपका फ्रेंड्स स्पेशल स्पेशल से कोई सब्जी खाने का मन करे, रोज गोभी आदि खाते हुए बोर हो गए हो, तो इस तरह की गोभी का दुलमा ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करें। फ्रेंड्स देखिए कितनी यमी सब्जी लग रही है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए अब हम बस थोड़े से डाल देंगे इसमें धनिया की पत्ती और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। करने के लिए गोभी का दुलमा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हम मैं सर्व कर दूंगी सबको। फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने दुलमा कभी बनाया है कि नहीं है। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हुई है। फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा।